रुपए की पसपाई, डॉलर फिर तकड़ा हो गया। इंट्रो बैंक में डॉलर 83 रुपए महंगा हो गया, कीमत 175 रुपए 50 पैसे का हो गया। रुपए की बेकदरी से पंजाब हुकूमत 3 माह में 78 अरब रुपए की मजीद मकरूज। मजमुई कर्ज का हजम 10 खरब से तजावुज कर गया। हुकूमत इस साल कर्जों की मद में 65 अरब रुपए की किस्त अदा करेगी, 13 अरब सिर्फ सूद की मद में अदा करना होंगे। हुकूमती दावों के बावजूद महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल, एक हफ्ते में महंगाई की शराह 1% इजाफे से 18.3% हो गई। रोजमर्रा इस्तेमाल की 27 अशिया की कीमतों में इजाफा, चिकन मजीद महंगा, कुकिंग ऑयल और घी की कीमत भी बढ़ गई। गरीब कहां जाएं, अब हुकूमत ही बताए। मसाला गर्म है, कोई हाथ ना लगाए, महंगाई के जिन ने मसाला जात को बिना छोड़ा। रहीमर खान में चावल और गर्म मसाला जात की कीमतों में इजाफा, काली मिर्च 400, बड़ी इलायची 300 रुपए किलो महंगी, तमाम अकसाम के चावल भी 15 से 20 रुपए फी किलो तक बढ़ गए। कीमतों में होशरबा इजाफे पर हर कोई परेशान। महंगाई ने शहरियों का बीपी शूट कर दिया, ब्लड प्रेशर मापने का आला भी महंगा, मेनमन आला 900 रुपए से बढ़कर 1000 रुपए का हो गया। शहरियों का महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालिबा। महंगाई ने गरीबों से छीन ली रजाई, सर्दी से बचना भी मुश्किल। देशी रुई की कीमत महंगाई की बुलंदियों को छूने लगी। गुज़श्ता साल 10,000 तक फी मन बिकने वाली रुई 18,000 रुपए तक पहुंच गई। महंगाई ने ताजिर और शहरी दोनों को परेशान कर दिया। गरीब सर्दियों में भी ठिठरतार रहेगा, सर्दी आते ही लकड़ी की कीमतें आसमान पर। घरों में जलाने वाली लकड़ी 100 रुपए फी मन महंगी, कीमतों में इजाफे ने दुकानदारों का कारोबार ठप कर दिया। जनूबी पंजाब समेत सूबे भर में बढ़ती स्मोक रोकने कमीशन, पंजाब हुकूमत ने स्मोक के तदारुक के लिए जुर्माने बढ़ा दिए। फसल जलाने और भट्टे के धुएं देने पर 50,000 रुपए जुर्माना, धुआं देने वाली फैक्ट्रियों को 50,000 से 1,00,000 रुपए जुर्माना होगा। मोटरसाइकिल और गाड़ी का धुआं 2,000 रुपए में पड़ेगा। तमाम महकमों को 50% गाड़ियां कम चलाने का हुक्म। जनूबी पंजाब में खाद माफिया की शामत आ गई, इंतजामिया के मुख्तलिफ शहरों में छापे, गोदामों से हजारों बोरियां खाद बरामद, सरकारी रेट पर किसानों को फराहम कर दी गई। कहवड़ पक्का में 1650 डीएपी और 1210 बोरियां खाद बैग्स बरामद कर लिए गए। मियांवाली में 4426 बैग्स बरामद किए गए। मुल्तान चा अम्बवाला में सिवरेज का निजाम नरम परम, ताफुन के बायस बच्चों में मुतादिद अमराज फैलने लगे, डेंगू का खदशा भी सर उठाने लगा। शाम में सिवरेज का पानी घरों में दाखिल होने का शिकवा, शहरी इंतजामिया खैरधर्मी के खिलाफ फट पड़े। इंतजामिया से सिवरेज मसाइल के फौरी हल का मुतालबा। कबीरवाला पुल बागड़ को मुल्तान से मिलाने वाली सड़क टूट-फूट का शिकार, जा बजा पड़े गढ़ों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने से शहरियों को मुश्किल। पानीवाला स्टेशन चौक था आरसीए चौक की अपग्रेडेशन, इल्तवा का शिकार, गर्दोगुबार से शहरी सांस और दीगर बीमारियों का शिकार होने लगे। ठेकेदार पत्थर और मिट्टी डालकर गायब, शहरियों का एहतजाज, इंतजामियों से फौरी सड़क की तामीर का मुतालबा। साबिक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की खाली रिहायश का रिक्शा स्टैंड में तब्दील, महकमा हेल्थ और जिला इंतजामिया मियांवाली कब्जा माफिया के सामने बेबस। गुंजानाबादी इलाकों में गैर कानूनी बस अड्डों और रिक्शा स्टैंड की भरमार, शहरियों का आला अफसरान से कार्रवाई का मुतालबा। खुशाब हुसैनाबाद रोड मसालिस्तान में तब्दील, दोपहर के औकात में मसरूफ तरीन रोड से ट्रैफिक एहलकार गायब, 7 स्कूलों में एक ही वक्त में छुट्टी से बेहंगम ट्रैफिक, शहरियों का रबाब अख्तियार से ट्रैफिक मसाइल के हल का मुतालबा। एसी रहीमर खान का मुबैना नारवा सलूक, मेपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन का दूसरे रोज भी एहतजाजी धरना, सब डिवीजन लियाकतपुर ऑफिस में कलम छोड़ हड़ताल, एससी के तबादले तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान।
मुल्तान की मारूफ गल्ला मंडी को पार्किंग मसाल से मिलेगा छुटकारा। मंडी को पहली बार मिला सरकारी पार्किंग स्टैंड का सहारा। इंतजामिया ने तजावजात को हटाकर पार्किंग स्टैंड कायम कर दिया। जनूबी पंजाब के तरक्याती मंसूबों में नया इंकलाब। सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट जवाई दफ्तर महमूद की सरबराही में इजलास। सराकी खत्ते के लिए 7 अरब 3 करोड़ की 393 स्कीमें मंजूर। शराय खानदगी में इजाफे की जानिब एक और कदम। यावाली में 60 की नाल राजी पर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल बनेगा। डिप्टी कमिश्नर फरम शहजाद की पेपर वर्किंग जल्द मुकम्मल करने की यकीन दहानी। रवा माली साल में तामीरी काम शुरू करने की नवीद भी थी। मुल्तान में बढ़ते जुर्म और अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल। मेंबर पंजाब असेंबली सैयद अली हैदर गिलानी ने हुकूमत से एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। कहा गुज़श्ता चंद दिनों में 3 कत्ल हो चुके लेकिन मुल्ज़मान का कोई सुराग न मिल सका। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत मामले पर एक्शन लेंगे। सैयद अली हैदर गिलानी का पंजाब असेंबली में इजहार ख्याल। मौजूदा हुकूमत के बस में हुकूमत नहीं रही। हम सब अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। उंगलियों को मुक्का बनाकर अपने हकूक छीन लेंगे। मुल्तान में चेयरमैन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट राणा फराज नून हुकूमत पर बर्स पड़े। कहते हैं अपने मकसद तक और आखिरी दम तक लड़ेंगे। हजारा सूबा बनने तक सुकून से नहीं बैठेंगे। कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद का दुनियापुर का दौरा। डिप्टी कमिश्नर शाबली के हमरा राजी सेंटर और दही माल मरकज का मुआयना किया। शहरियों से मुख्तलिफ काउंटर्स पर जाकर सहूलियात बारे इस्तफसार किया। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड सफर इकबाल आवान की डीआईजी मोटरवे फिरा हुसैन से मुलाकात। मोटरवे की हिफाजती इकदाम बारे तबादला ख्याल। आईजी जेल खनाजात मिर्जा शाहिद सलीम बेग का डिस्ट्रिक्ट जेल मुल्तान का दौरा। जेल के मुख्तलिफ सेक्शंस का विजिट किया और सहूलियात का जायजा लिया। जेल में कैदियों के लिए बेहतर सहूलियात काम करने पर आईजी जेल खनाजात ने शाबाश दी। बीपीओ बहावनगर मोहम्मद जफर बुजार के जामे मस्जिद अनवार मदीना मॉडल टाउन में खुली कचहरी। डीपीओ ने आवाम के मसाइल सुने और साइलिन की शिकायत के अजाले के लिए अहकाम जारी किए। कहा खुली कचहरी से आवाम को उनकी दहलीज पर बर वक्त इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी खुलते साथ ही इवेंट्स की भरमार। वाइस चांसलर ने यूनिवर्सिटी में तमाम किस्म के इवेंट्स सेमिनार स्पोर्ट्स गाला पर पाबंदी लगा दी। कोई भी डिपार्टमेंट या तलबा तंजीम बगैर इजाजत इवेंट मुनक्किद नहीं करा सकेगी। इवेंट से पहले वाइस चांसलर से 1 महीना पहले इजाजत लेना जरूरी करार। रेस्क्यू 1122 का स्पोर्ट्स गाला। अलीपुर और शहरी सुल्तान के रेस्क्यूर्स के मबैन क्रिकेट मैच। अलीपुर ने 1 विकेट के नुकसान पर मैच अपने नाम कर लिया। उधर मियांवाली रेस्क्यूर्स का भी स्पोर्ट्स गाला। मुजफ्फरगढ़ में रेस्क्यूर्स ने क्रिकेट वॉलीबॉल कबड्डी के खेलों में हिस्सा लिया। 4 टीमों ने अपने अपने जौहर दिखाए। गवर्नमेंट हाई स्कूल वक्कर के सालाना स्पोर्ट्स मुकाबले रस्साकशी डोर वॉलीबॉल और कबड्डी के मुकाबले हुए। सीटीएम हाई स्कूल में दौड़ में पहली पोजीशन हासिल की। स्पोर्ट्स गाला 24 नवंबर तक जारी रहेगा।